आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का कार्ड्स बनाना HTML और CSS की मदद से। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है HTML और CSS सीखना और आपको क्लास के बारे में पता है, बैकग्राउंड्स के बारे में पता है, कलर्स के बारे में पता है, बस अगर इतनी चीज़ों के बारे में पता है तो आप इस तरह के कार्ड्स को बना सकते हैं। और ऑफकोर्स आपको इमेज टैग और पोजीशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है, फिर तो आपके लिए ये बहुत आसान है कार्ड्स बनाना। तो चलिए सीखते हैं इन कार्ड्स को बनाना बिल्कुल स्क्रैच से। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे इन कार्ड्स का। उससे क्या होता है, बेसिकली हमारे माइंड में एक आइडिया मिल जाता है हमको कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर समझते हैं पहले इस कार्ड का, उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे ये जो तीनों कार्ड्स हैं बिल्कुल सेम है, बस कलर्स डिफरेंस है बैकग्राउंड में, ओके, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये जो मिडल में जो कार्ड है ये वाला, इसका आइडिया ले लेते हैं हम कि किस तरह से बेसिकली ये बना होगा। तो बेसिकली ये एक कार्ड है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या क्या चीजें जो दिखाई दे रही है इस कार्ड के अंदर, वो सारी चीजें एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन, तो ये एक एलिमेंट हो गया, यानी कि इस कार्ड के अंदर एक एलिमेंट है। उसके बाद मुझे दिखाई दे रही है इमेज जो कि सेकंड एलिमेंट है। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट जो कि थर्ड एलिमेंट है। उसके बाद ये पैराग्राफ वाला टेक्स्ट जो कि फोर्थ एलिमेंट है। और उसके बाद ये सोशल नेटवर्किंग साइट वाले आइकन्स जो कि फिफ्थ एलिमेंट है। तो हमारे पास एक कार्ड है जिसके अंदर है फाइव एलिमेंट्स और हमें इन्हीं फाइव एलिमेंट्स को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना इन फाइव एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हम HTML में स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे डेटा का, और उसके बाद CSS की मदद से उस डेटा को हम कुछ इस कार्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कार्ड यहाँ पे समझ लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस कार्ड के अंदर क्या होगा, इस कार्ड के अंदर होंगे हमारे फाइव एलिमेंट्स जो कि हैं बैकग्राउंड, इमेज एंड द टेक्स्ट एंड वो आइकन्स, ठीक है। तो फाइव एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये जो कार्ड है, ठीक है, डिव टैग की मदद से हम बनाएंगे। और जो हमारा मेन डिव टैग होगा, ये जो जिस डिव टैग की मदद से हमने ये कार्ड बनाया होगा, ये डिव टैग कंटेन करेगा क्या, इन फाइव एलिमेंट्स को, ठीक है। तो चलो डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं HTML की फॉर्म में, उसके बाद आप बहुत इजीली समझ जाओगे ये चीज। तो यहाँ पे मैं सबलाइन का यूज कर रहा हूँ, ओके। तो फाइल का नाम मैं दे दूंगा ब्ला 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 डॉट HTML, सेव, ठीक है। और स्ट्रक्चर ले आते हैं HTML का, स्ट्रक्चर आ गया, कार्ड्स लिख दिया टाइटल में। अब बॉडी के अंदर जाके डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम एक डिव टैग बनाएंगे, वो डिव टैग कंटेन करेगा क्या, पांचों के पांचों एलिमेंट्स को, ओके। तो एक डिव टैग बनाते हैं और इसको हम क्लास देंगे। क्लास में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्लास की मदद से CSS देना बहुत इजी हो जाता है और ये प्रॉपर वे है और अच्छा वे है। अगर आप सिर्फ डिव टैग को CSS दोगे तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि आपको हमेशा क्लास देना चाहिए, क्लास का नाम देना चाहिए या फिर आईडी देनी चाहिए, उसको उसके बाद आपको CSS देनी चाहिए। अदरवाइज आपका वेब पेज बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है अगर आप सीधे टैग को CSS देते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास का नाम मैं रख दूंगा कार्ड, ओके। अब ये कार्ड क्या कंटेन करेगा, फाइव एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे कमेंट दे दूंगा, इट विल कंटेन फाइव एलिमेंट्स, ओके ओके, फाइव एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास वो बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम एक डिव टैग क्रिएट कर सकते हैं और उस डिव टैग को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो एक डिव टैग क्रिएट करेंगे हम हमारे कार्ड नाम के टैग के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डिव टैग नहीं बोलूंगा, इसको मैं कार्ड बोलूंगा, जो भी क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ उस नाम से मैं इसको पुकारा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर एक डिव टैग बनाया, उसको भी क्लास दे देंगे, उसका नाम हम रखेंगे कार्ड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ओके, ये हो गया। तो एक एलिमेंट हमने बना लिया, तो चेकलिस्ट में एक चीज टिक कर लो, बैकग्राउंड बन चुका है। अगली चीज है हमारे पास इमेज, इमेज को भी रिप्रेजेंट करना है। तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग से डिव टैग बना सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी इमेज को इसी वाले डिव टैग के अंदर डाल सकते हैं जो अभी अभी हमने बनाया है, यानी कि ये जो कार्ड बैकग्राउंड नाम की क्लास हमने बनाई है, इसके अंदर हम इमेज टैग को डिक्लेयर कर लेते हैं। और ये भी सही वे है, तो कर लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे img टैग IMG tag, और इसको भी क्लास दे देते हैं, इसको क्लास दे देंगे हम कार्ड इमेज, ओके। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें इमेज का सोर्स भी देना है, तो इमेज कॉपी कर लेते हैं। तो मुझे पसंद है डेमी लोवाटो और सेलेना गोम्स, तो फिलहाल मैं
तमिल लवाटू की फोटो लगाऊंगा तो सोर्स में जाके वहां पे मैं उस इमेज का यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने बना लिए दो एलिमेंट हमने बना लिए, बैकग्राउंड एंड इमेज। अगला एलिमेंट है हमारे पास ये जो नेम है, ठीक है, ये नेम और फिर ये पैराग्राफ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली एक और डिव टैग बनाएंगे, किसके अंदर, जो हमने क्लास बनाई है कार्ड नाम की उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं क्रिएटिंग डिव टैग फॉर नेम्स और हेडिंग। ठीक है, तो अब हमें एक डिव टैग बनाना है किस चीज के लिए, जो भी ये नाम वगैरह हमने लिखा है इस चीज के लिए हमें एक डिव टैग बनाना है, तो बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिव टैग, और इसको भी हम क्लास दे देंगे, क्लास का नाम हम रखेंगे कार्ड इन्फो। एंड इसके अंदर हम क्या दे देंगे, H1 टैग। और इसके अंदर मैं लिखूंगा टेमिल लवाटो, एंड उसके बाद पैराग्राफ टैग जो कि कंटेन करेगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो, कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे एक br टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा गैप बन जाए H1 और p के बीच में। उसके बाद अगली चीज है ये जो आइकन्स है यहाँ पे दिए हुए हमने, ये आइकन्स अब हमें क्रिएट करने, या तो हम इसी के अंदर आइकन्स को डाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए भी अलग से एक डिव टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग से डिव टैग क्रिएट करूंगा, तो इसको भी क्लास दे देंगे, और इसका नाम रख देंगे हम कार्ड सोशल आइकन्स। ओके, और इसके अंदर अब हमें हमारे जो टैग्स हैं आइकन्स के वो डालने हैं, या फिर आप इमेजेस का यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आइकन्स का यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं फंट ऑसम आइकन्स का यूज़ कर रहा हूँ, ये रही लिंक। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से फंट ऑसम आइकन को डाउनलोड और यूज़ करते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे हेड टैग के ऊपर जाके मैंने पेस्ट कर दी फंट ऑसम की लिंक, और टैग्स को कॉपी किया और पेस्ट किया। अब इस फाइल को चेक करते हैं एक बार हमारे ब्राउजर में कि किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है हमें हमारे डेटा का। तो ये रही फाइल, ओपन की फाइल, और कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो डेटा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होके आया है हमारे पास यहाँ पे। अब इस डेटा को हमें बहुत अच्छे से सजाना है CSS की मदद से, यानी कि CSS की मदद से इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CSS के लिए नई फाइल बनाऊंगा, और फाइल का नाम मैं रखूंगा la.css। सेव रिप्लेस करनी है तो चलो कर दो, कोई सीन नहीं है, ला 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 ला। और इसको अब हमें अटैच करना पड़ेगा HTML फाइल के साथ। तो ये करने के लिए लिंक टैग लगेगा HTML वाली फाइल में, वहाँ पे जाओ, लिंक टैग लगाओ, और उसके बाद एड्रेस कॉपी करो CSS वाली फाइल का, और HRF के अंदर पेस्ट करो, और फाइल का नाम चेंज करो ला 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 डॉट CSS। सेव और रिफ्रेश, और दोनों फाइल्स अब एक साथ अटैच हो चुकी हैं, HTML और CSS वाली। अब CSS देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हर मार्जिन और पैडिंग हट जाए, तो मार्जिन और पैडिंग हटाने के लिए एस्ट्रे लगाएंगे हम, और उसके बाद इसको मार्जिन दे देंगे 0 pixel एंड पैडिंग दे देंगे 0 pixel। इसकी वजह से हर चीज़ का पैडिंग और मार्जिन चला जाएगा। तो चला गया। अब अगली चीज़ हमें क्या करनी है, जो हमारा कार्ड है उसको बैकग्राउंड कलर देना है। तो जो कार्ड है हमारे पास वही सब कुछ कंटेन कर रहा है, जो ये कार्ड टैग हमने बनाया है, क्लास कार्ड जो है वो सब कुछ कंटेन कर रही है। तो हम क्या करेंगे, कार्ड के अंदर जाएंगे, कार्ड क्लास लिखेंगे यहाँ पे, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर रेड, एंड रिफ्रेश, एंड बैकग्राउंड कलर रेड आ गया हमारे पास। अगली चीज हम क्या कर देंगे, हमारा जो कार्ड है उसको हाइट और विड्थ भी दे देंगे। 350 में इसको विड्थ दे दूंगा, एंड हाइट में इसको देना पसंद करूंगा अबाउट 440, ये अच्छी लगेगी। रिफ्रेश, और इस तरह का कार्ड हमने बना लिया। ठीक है, अगली चीज मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन कार्ड्स के अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पांचों के पांचों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि डेटा वाली फॉर्म में तो हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो जो डेटा की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट है वो सेंटर के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो सेंटर में आ जाए। तो ये करने का बहुत इजी वे है, अगर मैं कार्ड को टेक्स्ट अलाइन दे दूं सेंटर, तो हर चीज जो भी इस वाले टैग के अंदर होगी, इस वाली क्लास के अंदर होगी, यानी कि ये जितना भी कोड है वो सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर दे दूंगा हमारे कार्ड को, एंड रिफ्रेश, और हर चीज सेंटर में आ गई एक ही बारी पे। अगली चीज हम चाहते हैं ये बैकग्राउंड कलर क्रिएट करना, तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए हमने सेपरेटली क्या किया था, एक क्लास बनाई थी जिसका नाम है कार्ड बैकग्राउंड, ओके, और ये कंटेन करता है हमारे इमेज टैग को। ठीक है, तो बैकग्राउंड
तो जो हमने ये क्लास दी है कार्ड बैकग्राउंड, इसको हम CSS देंगे और CSS में इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे। तो ये सिंपल बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये एक ग्रेडियंट कलर है, टू कलर्स को मिक्स किया है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बैकग्राउंड और उसके बाद लिखेंगे हम लीनियर ग्रेडियंट टू राइट। टू राइट हमने इसलिए लिखा ताकि हमारा जो कलर है टू राइट की तरफ फ्लो करे, ठीक है। और कलर यहाँ पे कुछ भी दे दो, जैसे कि ग्रीन दे दिया और एक रॉयल ब्लू, ओके। और सॉरी ये मेरा कीबोर्ड बेकार सा हो गया है। एंड रिफ्रेश, और कुछ इस तरह का जो है हमारे पास रिजल्ट आएगा बैकग्राउंड में। और अगली चीज़ जो है, इमेज हम चाहते हैं सर्कल की फॉर्म में, तो इमेज टैग को भी हमने क्लास दी है कार्ड इमेज। तो कॉपी करो इस क्लास के नेम को और इसको CSS देंगे अब हम कार्ड इमेज कैलिब्रेसिस। तो सर्कल में इमेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे और बॉर्डर रेडियस देंगे हम 50%, एंड दैट्स इट। और ये आ गई इस तरह से सर्कल में इमेज। और उसके बाद इसको विड्थ दे देंगे हम अबाउट 120 pixels एंड हाइट इसको हम ऑटो दे देंगे। एंड रिफ्रेश, और इमेज कुछ इस तरह की बन गई हमारे पास, ओके। अगली चीज, ये जो बैकग्राउंड है, हमने जो बैकग्राउंड कलर अभी जो क्रिएट किया है ब्लू और ग्रीन में, इसकी हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे। इसकी हाइट मैं दे दूंगा अबाउट 200 pixels एंड इसकी विड्थ दे देंगे हम 100 pixels। एंड हियर वी गो, कुछ इस तरह का, हाइट ज़्यादा हुई शायद, 160 नाइस लगेगी, अच्छी लगेगी, तो 160 दे दी। अगली चीज़ हम चाहते हैं, जो ये हमारी इमेज है, ठीक है, ये यहाँ पे आए, सेंटर में आए, यहाँ जहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये कलर ख़त्म हो रहा है ना, इसके सेंटर में आ जाए इमेज कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज को पोजिशनिंग देंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और उसको वैल्यू देंगे रिलेटिव, और उसके बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी पोजीशन। तो टॉप मैं दे दूंगा इसको अबाउट 60 pixel से नीचे आ जाएगी, एंड रिफ्रेश, और ये नीचे आ गई, लेकिन हमें और नीचे चाहिए, तो अबाउट 100 pixel आई थिंक, और 100 pixel से काम बन गया, ठीक है। तो अच्छी लग रही है अब ये इमेज। अब अगली चीज़ है जो हमारा डेटा ही, ये जो नेम वगैरह हैं, आइकन्स हैं, इनको हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो आसान है। तो यहाँ पे जाते हैं HTML वाली फाइल में और देखते हैं H1 और P जो टैग है, ये कार्ड इन्फो नाम की क्लास के अंदर है, ठीक है, इस नाम के डिव के अंदर हैं ये। तो अब डॉट कार्ड इन्फो को हम क्या करेंगे, देंगे CSS देंगे, तो डॉट कार्ड इन्फो कैलिब्रेसिस। तो हम चाहते हैं कि जो नाम है हमें दिखाई दे, तो मार्जिन टॉप देना पड़ेगा अब हमको, बिकॉज इमेज उसके ऊपर आ रही है नाम के ऊपर, तो मार्जिन टॉप अबाउट 30 pixel एंड नहीं किया काम, और देना पड़ेगा 60, सही से किया पर थोड़ा और ज्यादा गैप चाहिए मेरे को, एंड दिस इज नाइस, ये परफेक्ट है, ओके, ये परफेक्ट हो गया हमारे पास। थोड़ा सा और ज्यादा कर देता हूँ, 80 एंड हो गया, ठीक है। अब ये जो कार्ड इन्फो है, यहाँ पे पैडिंग भी दे देते हैं ताकि और अंदर जो है हमारा डेटा आए। तो इसको मैं पैडिंग दे दूंगा 10 pixel और कुछ इस तरह से जो है डेटा आ गया। अब अगली चीज़ जो है, ये आइकन्स हैं, आइकन्स के साइज हमें बड़े करने हैं, तो बहुत ईजी है आइकन्स का साइज बड़ा करना। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, आइकन्स में आप देख सकते हो एक क्लास का यूज़ किया है हमने जिसका नाम है फैब। फैब क्लास हर जगह कॉमन है, तो अगर मैं फैब को CSS दूंगा तो जितने भी आइकन हैं उनके भी CSS मिल जाएगी। तो फैब को CSS देते हैं कैलिब्रेसिस, और सबसे पहले इसको कलर दे देता हूँ मैं ग्रे, आइकन्स को ग्रे कलर दे दूंगा। और उसके बाद फंट साइज प्रॉपर्टी की मदद से हम इसका साइज कंट्रोल करेंगे 24 pixels एंड उसके बाद पैडिंग दे दूंगा ताकि आइकन्स एक दूसरे से दूर हो जाएं थोड़े बहुत। तो 15 pixel मैं दूर करना चाहूँगा आइकन्स को एक दूसरे से, एंड रिफ्रेश, एंड हियर वी गो, कुछ इस तरह के आइकन हमने क्रिएट कर लिए, बहुत ज़्यादा आसान था। अब अगली चीज़, हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे जो कार्ड हैं इनके एजेस जो हैं राउंडेड थे यहाँ पे, तो इसके एजेस भी हमें राउंडेड करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्ड को सेंटर में ले आता हूँ ताकि हमें सब कुछ दिखाई देता रहे। तो मार्जिन 20% दे देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाइए, तो सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसके एजेस को हमें क्या करना है, राउंडनेस देनी है, तो बॉर्डर रेडियस लगेगा कार्ड के अंदर, तो कार्ड के अंदर जाके बॉर्डर रेडियस 10 pixel दे दूंगा, सेव, रिफ्रेश, और नीचे से आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस आ चुका है लेकिन ऊपर की साइड नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज हमने इसके अंदर यूज किया है कार्ड बैकग्राउंड, एक और डिव टैग है इसके ऊपर, ठीक है,
बेसिकली कार्ड को राउंडनेस मिली हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये कार्ड बैकग्राउंड आ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें वो राउंडनेस दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ड बैकग्राउंड है इसको भी राउंडनेस देनी पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो कार्ड बैकग्राउंड में जाओ और इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस दे दो 10 पिक्सल। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, रिफ्रेश और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको जो है मिल गया राउंडनेस। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे राउंडनेस मिले, हम चाहते थे कि सिर्फ यहाँ मिले और यहाँ पे मिले। तो ये चीज़ सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम सॉल्व करेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस से। तो हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, और राइट साइड में भी वही करना है, तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, एंड सेव एंड रिफ्रेश, और रिजल्ट हमें मिल गया। अगली चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड्स में जो हमारी इमेजेस हैं इसके बाहर एक तरह का बॉर्डर है जो कि मैच करता है हमारे कार्ड के कलर के साथ, तो हमें हमारी इमेज को भी बॉर्डर देना पड़ेगा। तो कार्ड इमेज नाम की क्लास में जाओ और इमेज को बॉर्डर दे दो अबाउट 6 पिक्सल सॉलिड में, एंड सेम वही कलर रहेगा जो आपके कार्ड का है। तो कार्ड का कलर रेड है, तो इसका कलर, इसके जो बॉर्डर का कलर है वो भी रेड रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और अच्छे से दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और सही कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे कलर्स का। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं हर एलिमेंट को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो ग्रेडियंट हमने चूज किया इसको मैं कलर देना पसंद करूंगा कोई, यहाँ पे ये वाला कलर चूज करूंगा, और इस साइड में चूज करूंगा ये वाला कलर, एंड इस कोड को कॉपी कर लूंगा और अपने CSS के साथ चेंज कर लूंगा वैल्यूज के साथ, एंड सेव, ठीक है। और अगली चीज, ये जो रेड कलर है इस पे इंस्पेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और रेड यहाँ पे आ गया साइड में, और अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा कलर जो है अच्छा लग रहा है इसमें। तो मेरे ख्याल से ये कलर अच्छा लगेगा इसमें, एंड इसको कॉपी कर लिया, एंड इसको किसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे, जो कार्ड का बैकग्राउंड कलर है उसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे, कर लिया। और जो हमारी इमेज का बॉर्डर है उसको भी हमें सेम ही कलर देना था कार्ड जैसा, तो जो कार्ड इमेज है उसका बॉर्डर का कलर चेंज कर लो जिसके साथ अभी आपने किया ये बैकग्राउंड कलर चेंज, रिफ्रेश, और कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके पास आ चुका है। और ये जो डेमी लोवाटो हमने लिखा है इसका कलर भी हमें अलग से चाहिए, ठीक है, तो ग्रीन कलर रखूंगा जैसा बैकग्राउंड में है। तो H1 को मैं क्या कर दूंगा, कलर दे दूंगा ग्रीन, एंड हियर वी गो। और जो P टैग है उसको मैं दे दूंगा ग्रे कलर, कलर ग्रे, ठीक है, एंड सेव, रिफ्रेश, और कुछ इस तरह के रिजल्ट हमारे पास बन के आ गया है। इस तरह का कार्ड हमने क्रिएट कर लिया है, कितना आसान था। अगली चीज़ हम चाहते हैं कि जब मैं कर्सर इन आइकन्स के ऊपर जाऊँ तो एक हाथ का निशान बन के आ जाए, पॉइंटर जैसा, तो ये करना आसान है। आप बेसिकली क्या लिखोगे, जो ये फैब क्लास है इसके अंदर जाओगे आप और लिखोगे कर्सर पॉइंटर, एंड हैंड्स का जो हाथों का निशान है आ जाएगा जब भी आप कर्सर लेके जाओगे इनके ऊपर। ओके, अगली चीज़ हम चाहते हैं कि जब कर्सर लेके जाएं तो इनका जो ग्रे कलर है थोड़ा डार्क हो जाए। तो इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को एक बार फिर से, ठीक है, और आइकन्स का कलर थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं, ये हो गए थोड़े से डार्क, और इसको कॉपी कर लो कलर को, कलर कोड को। और अब यहाँ पे हम नई लाइन लिखेंगे, फैब कॉलम होवर कलर, जो कलर आपने अभी कॉपी किया उसके साथ एक्सचेंज करो, रिफ्रेश, और देखो जब मैं इन आइकन्स के ऊपर जा रहा हूँ तो इस तरह का जो है इनका कलर बन के आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हो कि मैंने आइकन के ऊपर, अभी मैं आइकन के ऊपर गया नहीं हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने पैडिंग दे दी है वहाँ पे उसको, ठीक है, हमने वहाँ पे पैडिंग दे दी है हमारे आइकन्स को। तो पैडिंग की जगह हम इसको मार्जिन दे देंगे, मार्जिन, इससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो इस तरह से आइकन के ऊपर अभी मैंने कर्सर नहीं रखा है और इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, लेकिन अब रिफ्रेश करूंगा तो मार्जिन चला जाएगा इसमें। अब आप देख सकते हो कि जब मैं आइकन के ऊपर जा रहा हूँ तभी इसका चेंज हो रहा है कलर। तो इस तरह से आप ये कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हो, और आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरियल का यूज़ किया था, और लेकिन यहाँ पे मैंने कोई फंड का यूज़ नहीं किया है, आप अपनी मर्जी से कोई फंड चूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।